नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। यही रात भारी है क्योंकि कल मतदाताओं ने कर ली तैयारी है। दूसरे चरण की राजस्थान की 13 सीटों के लिए कल मतदान होगा। 24 के महामुकाबले में हम हर दिन 9:30 बजे एक लोकसभा सीट की बात करते चले आए, लेकिन आज आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज ये कि आज हम एक नहीं करीबन 5 से 6 हॉट सीटें आपको दिखाएंगे, समीकरण बताएंगे कि कल जो मतदान होगा उससे एक दिन पहले आप ताकि समझ जाएं आपकी लोकसभा सीट पर क्या माहौल किसका बना, क्या किसका माहौल बिगड़ा। दूसरे चरण में राजस्थान के जिन 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा यानी कल जो वोटिंग होगी, उनमें से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के बारे में आप सभी जानते हैं। यहां पर चर्चाओं का बाजार गर्म है, यहां पर दावा है लगातार क्योंकि त्रिकोणीय संघर्ष दिखाई दे रहा है। 27 वर्षीय शिव से विधायक रविंदर भाटी ने इस सीट को दिलचस्प कर दिया रण में कूद कर। क्या रहेगी यहां पर स्थिति, दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट में। यूं तो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर इस बार 19 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन ये बात सर्वविदित है कि मुख्य मुकाबला 3 प्रत्याशियों के बीच ही नजर आ रहा है। अब इस त्रिकोणीय संघर्ष में विजय पताका कौन लहराएगा, ये क्षेत्र के 20 लाख मतदाता तय करेंगे। लेकिन इस सीट का दिलचस्प समीकरण क्या है, ये समझना भी बेहद जरूरी हो गया है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी हैं बीजेपी के प्रत्याशी। उम्मीदवार राम बेनीवाल को कांग्रेस ने बनाया है अपना कैंडिडेट। निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं शिव विधानसभा से विधायक रविंदर भाटी। 2009 में कांग्रेस के अली चौधरी यहां से जीत कर बने थे सांसद। 2014 और 2019 में लगातार 2 बार जीती बीजेपी। 2014 में बीजेपी के कर्नल सोनाराम चौधरी ने दर्ज की थी जीत। 2019 में कैलाश चौधरी ने मानवेंद्र सिंह को बड़े अंतर से हराया। मानवेंद्र सिंह भी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में हो गए शामिल। 50% ओबीसी वोटर्स निभाएंगे निर्णायक भूमिका। बात अगर निर्दलीय लड़ रहे रविंदर भाटी की करें तो राजपूत समुदाय से आने वाले 27 वर्षीय भाटी ने छात्र राजनीति में अपना राजनीतिक कौशल तेज किया। भाटी की चुनावी रैलियों में खासकर बाड़मेर क्षेत्र में भारी भीड़ पहुंच रही है और वो क्षेत्र में चर्चा का विषय लगातार बने हुए हैं। खासकर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के बीच में उनकी बढ़ती लोकप्रियता का जिक्र करते हुए लोग उनकी तुलना सचिन पायलट से करने लगे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार उम्मीदाराम बेनीवाल को उभरते जाते समीकरणों से फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि उनके खेमे को लगता है कि अगर भाटी भाजपा के वोट काटते हैं तो उन्हें सीधा फायदा मिलेगा। बेनीवाल अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी RLP छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और समीकरणों को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें टिकट भी दिया। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने एक बार फिर से कैलाश चौधरी पर ही भरोसा जताया। उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने कैलाश चौधरी को मैदान में उतार दिया, जो लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इनको लेकर पिछले दिनों एंटी इनकम्बेंसी और स्थानीय लोगों में नाराजगी की बात भी देखी गई। खैर, कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल के प्रति लोगों में 2 बार विधानसभा चुनाव में हार की संवेदना है। निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर भाटी 27 साल के युवा हैं। तीनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। खैर, दावों के इतर क्षेत्र में सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी और नर्मदा नहर प्रोजेक्ट का आगे बढ़ना, जैसलमेर से बाड़मेर होते हुए भाभर तक रेल लाइन, पेयजल की समस्या, रिफाइनरी और तेल गैस कोयला क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार देने सहित कई प्रमुख स्थानीय मुद्दे हैं जो इस बार हावी रह सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र का सियासी ऊंट त्रिकोणीय संघर्ष में किस करवट बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बाड़मेर जैसलमेर में तो भाई त्रिकोणीय संघर्ष है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सीट हॉट नहीं हॉटेस्ट है। बढ़ेंगे आगे, अगली हॉट सीट के बारे में आपको बताते हैं। टोंक सवाई माधोपुर का नाम भी बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर लेना, क्योंकि ये सीट भी अपने आप में अपने अंदर अनूठा इतिहास समेटे हुए। ये वही लोकसभा क्षेत्र है जहां विकास के मुद्दे से ज्यादा जातिगत समीकरण भैया हावी रहते हैं। सभी वर्गों के उम्मीदवार यहां से सांसद बने हैं। 2008 के परसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई थी, उसके बाद में क्या हिसाब किताब रहा, इस बार क्या माहौल यहां पर बन बिगड़ रहा है, इस रिपोर्ट में आप देख लीजिए। मतदान से पहले दूसरे चरण की टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र की जब बात होगी तो जहन में सबसे पहले गुर्जर बनाम मीणा की सियासी लड़ाई की चर्चा होगी।
इस सीट पर मीणा मतदाताओं की तादाद करीब 3,25,000 है, तो वहीं गुर्जर मतदाताओं की संख्या 2,80,000 के आसपास जाती है। इसलिए दोनों राजनीतिक दल जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर ही यहां कैंडिडेट उतारते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी यहां से हमेशा मीणा प्रत्याशी को उतारती रही। वहीं पिछले 3 चुनाव में भाजपा ने गुर्जर प्रत्याशी पर दांव खेला है, उसमें से 2 बार उन्हें जीत मिली। 2008 से पहले टोंक जिला इस संसदीय क्षेत्र में शामिल नहीं था, पहले सवाई माधोपुर जिला ही संसदीय क्षेत्र हुआ करता था। 2008 में परिसीमन होने के बाद टोंक जिले को इसमें शामिल किया गया, इसके बाद टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र इसका नाम पड़ा। पहले ये सीट जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित थी, लेकिन अब ये सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। इस संसदीय क्षेत्र में भाजपा, कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी के सभी वर्ग के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो दूसरी ओर सवाई माधोपुर जिले को विश्व में भला कौन नहीं जानता। विश्व का सुप्रसिद्ध रणथंभौर नेशनल पार्क यहीं स्थित है, जिसके चलते देश ही नहीं विश्व भर में सवाई माधोपुर की एक बड़ी पहचान है। फिलहाल भाजपा के सुखबीर सिंह जौनपुरिया हैं सांसद। इस क्षेत्र से सांसद रहे नेता केंद्रीय मंत्री के पदों पर कई बार रहे हैं काबिज। 2004 से 2014 तक सांसद रहने वाले कांग्रेस के नमो नारायण मीणा केंद्र में लगातार मंत्री रहे। उससे पहले 1999 में भाजपा की जसकौर मीणा यहां से जीती थी और वो भी केंद्रीय मंत्री रही। भाजपा के सुखबीर सिंह जौनपुरिया 2014 से लगातार 2 बार यहां से सांसद बने। तीसरी बार भी भाजपा ने जौनपुरिया पर ही विश्वास जताया है, उन्हें टिकट दिया। तो कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में हरीश मीणा को प्रत्याशी बनाया। गुर्जर मीणा और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है टोंक सवाई माधोपुर। इस सीट पर जीत हार का फैसला ज्यादातर जातीय समीकरणों के हिसाब से हुआ है। इस बार भी दोनों ही पार्टियों ने जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही प्रत्याशी उतारे। फिर चाहे गुर्जर समाज से आने वाले भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया हो या फिर मीणा समुदाय से आने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश मीणा। लगातार 10 साल तक सांसद रहने वाले सुखबीर सिंह जौनपुरिया के खिलाफ ग्राउंड पर ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं देती है, इसलिए पार्टी ने लगातार तीसरी बार जौनपुरिया को प्रत्याशी बनाया। सवाई माधोपुर से जिला मुख्यालय पर हमीरपुरिया का चौड़ीकरण का कार्य, मेडिकल कॉलेज का निर्माण का कार्य, दशहरा मैदान के सौंदर्यीकरण इत्यादि कार्य कराकर सुखबीर सिंह एक बार फिर लोगों से समर्थन मांगे। सुखबीर का दावा है कि अगर जनता उन्हें तीसरी बार जिताती है तो मेडिकल कॉलेज अधूरा निर्माण कार्य, चंबल परियोजना को मूर्त रूप, रोजगार परक कोई कारखाना क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। हालांकि अधूरे रहे कार्य और अजमेर टोंक सवाई माधोपुर रेल लाइन सेवा को लेकर सुखबीर सिंह को विपक्ष घेरता है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें से 4 विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर जिले के और 4 टोंक जिले के विधानसभा क्षेत्र। कुल 21,20,633 मतदाता हैं। संसदीय क्षेत्र में मीणा मतदाता लगभग 4,00,000, गुजर मतदाता लगभग 3,50,000 के आसपास, एससी वर्ग के मतदाता लगभग 4,50,000 के करीब हैं, जिसमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 2,25,000 के आसपास होती है। इस संसदीय क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि यहां के जातिगत समीकरण विकास के मुद्दों पर पूरी तरीके से हावी रहे हैं। अब ऐसे में इस बार देखना होगा कि चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। पुरुषोत्तम जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक एक बाड़मेर आपने देख ली, टोंक सवाई माधोपुर का हाल आपने जान लिया, लेकिन एक और हॉट सीट की चर्चा अब हम करेंगे। हम बात करें चित्तौड़गढ़ की। सवाल यही है कि इस बार भाई चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चढ़ेगा कौन? सीपी जोशी साहब हैं, लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। सामने उदयलाल आंजना है, एक दूसरे के सामने तगड़े कैंडिडेट उतारे गए हैं कांग्रेस और भाजपा के द्वारा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस हॉट सीट पर इस बार कौन विजय पताका फहराता है। देखिए, राजपुतानों का गौरव, शौर्य, बलिदान और रानी पद्मावती के जौहर की धरती यानी चित्तौड़गढ़। चारणों द्वारा गाई गई शौर्य गाथाओं में आज भी चित्तौड़ की कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन इन दिनों चित्तौड़गढ़ की फिजाओं में सियासी रंगत चढ़ी हुई है। राजस्थान में दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है। राजनीतिक दलों के प्रत्याशी संसदीय क्षेत्रों में दनादन जनसंपर्क दौरों के माध्यम से जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करने में जुटे हैं। वही बात अगर चित्तौड़गढ़ की करें तो दोनों ही दलों के दिग्गज एक दूसरे पर जुबानी हमले भी कर रहे हैं। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन दावा किसका ज्यादा मजबूत, ये तो देखने वाली बात ही होगी। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र की प्रमुख मुद्दों की अगर बात करें तो यहाँ बड़ी तादाद में किसानों को अफीम पट्टे आवंटित होते हैं।
ऐसे में उदयलाल आंजना खुद को किसान केसरी के रूप में क्षेत्र के किसानों के सामने पेश कर अफीम कष्टकारों सहित किसानी मुद्दों को आधार बनाकर वोट मांग रहे हैं। वही भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी उनके कार्यकाल में संसदीय क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार के पिछले 10 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल सेट करने में लगे। सीपी जोशी और उदयलाल आंजना के बीच कांटे की टक्कर। 2014 और 2019 में लगातार चित्तौड़ से जीते सीपी जोशी 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 6 लाख वोटों के अंतर से दर्ज की थी जीत। कुल 8 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनी चित्तौड़गढ़ लोकसभा। चित्तौड़गढ़ जिले की 5 और उदयपुर की 3 सीटें इस लोकसभा क्षेत्र में है शामिल। 21,58,000 से ज्यादा मतदाता दिखाएंगे वोटों की ताकत। 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी और 1-1 पर 2023 में कांग्रेस और निर्दलीय ने मारी बाजी। देखिये, बीजेपी प्रत्याशी सीपी जोशी को मेवाड़ का मोदी कहा जाता है, तो वही पूर्व सांसद उदयलाल आंजना क्षेत्र में किसान केसरी के रूप में विख्यात है। ये वही उदयलाल आंजना है जो पहले पूर्व रक्षा मंत्री जसवंत सिंह को चुनावी मैदान में सन 1998 में शिकस्त दे चुके हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ सीपी जोशी प्रधानमंत्री मोदी के पसंदीदा सांसदों की श्रेणी में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वही पूर्व विधायक और सांसद होने के साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर रहे उदयलाल आंजना कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की श्रेणी में आते हैं, साथ साथ में वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष भी हैं। अपने लंबे राजनीतिक करियर का अच्छा खासा अनुभव होने के साथ साथ कांग्रेस हाईकमान तक में आंजना की पकड़ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और उदयलाल आंजना के बीच कांटे की टक्कर चित्तौड़गढ़ में दिखाई दे रही है। सीपी जोशी के नामांकन के दौरान खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित डिप्टी सीएम दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा चित्तौड़गढ़ में आम सभा कर चुके हैं। वहीं उदयलाल आंजना की नामांकन रैली में भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित कद्दावर नेताओं ने चित्तौड़गढ़ में आम सभा की थी। वैसे चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट को आप बीजेपी की सेफ सीटों में से एक कह सकते हैं और आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। 2014 के चुनाव में सीपी जोशी ने कांग्रेस की गिरजा व्यास को 3,16,857 वोटों से हराया और 2019 में सीपी जोशी का जीत का अंतर काफी ज्यादा बढ़ा। 2019 में सीपी जोशी 5,76,247 वोटों से जीते, लेकिन 2024 में सीपी जोशी के सामने चुनौतियां कड़ी हैं, क्योंकि आंजना जातिगत समीकरणों को साधने के साथ साथ बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में। नतीजा क्या होगा ये 4 जून को पता लगेगा, लेकिन एक बात तय है कि सीपी जोशी के लिए चीजें उतनी सरल नहीं दिखाई दे रही हैं जितनी 2014 और 19 में थी। चित्तौड़गढ़ से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, दूसरे चरण में कल जिन 13 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें से एक बेहद महत्वपूर्ण हॉट सीट है अजमेर की। अजमेर सीट का इतिहास भाजपा कांग्रेस दोनों के पक्ष में लगभग बराबर सा गया है और इस बार मुकाबला नेक टू नेक फाइट का है, क्योंकि दो दो चौधरी आमने सामने हैं। भागीरथ चौधरी भारतीय जनता पार्टी के, तो कांग्रेस ने रामचंद्र चौधरी को कैंडिडेट बनाया। अब यहां की जनता अपना असली चौधरी किसे मानती है ये कल बताएगी, लेकिन रिपोर्ट आप अभी देखेंगे। हिंदू और मुस्लिम यानी दोनों समुदाय की धार्मिक आस्था का केंद्र अजमेर में इस बार भी रोचक मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। अरावली पर्वतमालाओं के बीच में बसा ये शहर अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। देखिए, एक तरफ अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो वहीं पुष्कर में ब्रह्मा भगवान का एकमात्र मंदिर है। इतना ही नहीं, यह नगरी अंतिम हिंदू सम्राट यानी पृथ्वीराज चौहान की नगरी भी रही है। लेकिन इतिहास के तहत बात अगर मौजूदा सियासी समीकरणों की करें तो यहाँ लोकसभा चुनाव की बिसात बिछी हुई है। दूसरे चरण की सीट पर इस बार दो चौधरी आमने सामने हैं। मतलब साफ है, दोनों मुख्य दलों ने जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही यहां पर इस बार भी अपने प्रत्याशी तय किए हैं। लेकिन अगर बात पिछले 3 लोकसभा चुनाव की करें तो 2009 में दोनों दलों ने अजमेर में उतारे थे बाहरी प्रत्याशी। 2009 में सचिन पायलट ने 70,000 वोटों से दर्ज की थी जीत। 2014 के चुनाव में पायलट को बीजेपी के सांवरलाल जाट ने हराया। 2014 में भाजपा ने अजमेर की ये सीट करीब 1.5 लाख से अधिक वोटों से जीती। सांवरलाल के निधन के बाद 2018 में हुआ उपचुनाव, फिर कांग्रेस जीती। 2019 में बीजेपी ने अजमेर सीट पर वापसी की, भागीरथ चौधरी सांसद बने। 2024 में भी भाजपा ने भागीरथ चौधरी को ही बनाया है प्रत्याशी।
कांग्रेस की तरफ से रामचंद्र चौधरी हैं अजमेर से प्रत्याशी। 19.5 लाख के करीब है अजमेर सीट पर मतदाता। लगभग 22% है अजमेर में SC/ST की आबादी। 16-17% जाट वोटर्स निभाते हैं अहम भूमिका। अजमेर में 12% है मुस्लिम मतदाताओं की संख्या। खैर, गुर्जर और जाट समाज के मतदाताओं की संख्या करीब एक समान है। ये संख्या करीब 2-2.25 लाख के आसपास जाती। ब्राह्मण मतदाता 1-1.5 लाख के बीच हैं और वैश्य समाज के मतदाता भी करीब 1 लाख के आसपास आते हैं। मौजूदा प्रत्याशियों की ताकत और कमजोरी की बात करें तो भाजपा उम्मीदवार भागीरथ चौधरी की सबसे बड़ी ताकत संगठन है। इसके अलावा संसदीय सीट की 8 में से 7 सीटों पर भाजपा के विधायक का होना भी BJP के लिए बेनिफिशियल नजर आता है। पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना भी उनकी एक ताकत का ही हिस्सा है। वहीं अगर कमजोरी की आप बात करें तो पिछले 5 साल के सांसद कार्यकाल में कोई बड़ी उपलब्धि इनके नाम नहीं है। किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहना भी उनका एक पक्ष कमजोर करता है। हालांकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी करारी हार भी एक कमजोर पहलू है। जहां वो तीसरे स्थान पर रहे थे, तो वही कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के मजबूत पक्ष की बात करें तो जातिगत और कांग्रेस का वोट बैंक उनकी ताकत है। साथ ही पिछले 35 साल से सहकारिता क्षेत्र में रहते हुए, बतौर अजमेर डेयरी अध्यक्ष रहते हुए जमीनी नेटवर्क पर उन्होंने काम किया, अच्छी पकड़ है। रामचंद्र चौधरी का मतदाताओं और कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क और संवाद भी नहीं है। चुनावी मुद्दे जो इस बार भी हावी हैं, उसे अजमेर के समग्र विकास के साथ ही औद्योगिक विकास और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। अब ऐसे में इस बार का लोकसभा चुनाव दिलचस्प होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। अजमेर से अभिजीत दवे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 24 का महामुकाबला लगातार जारी रहेगा। हॉट सीट जो हम आपको बता रहे हैं, इसका सिलसिला भी हम जारी रखेंगे। ब्रेक के उस पार जरूर बने रहिएगा, क्योंकि एक ऐसी सीट हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं जिसका इंतजार आप सब कर रहे होंगे। सवाल यही है कि क्या राजकुमार रोत फेरेंगे इस बार उम्मीदों पर पानी किसके? मालवीय के। ब्रेक के बाद देखिए वाली रिपोर्ट।